भैया जय राम जी की भैया। अरे बाप रे, ये क्या किस सोच में डूबे हैं? अरे इस तरह से मत बैठिए ना, अरे जेल में जो गए वो तो छूट जाएंगे ना। उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, फॉरेन से मेरा छोटा भाई आया अरे है। ये क्या कह रहे हैं? अरे उसके आने पर तो आपको खुश हो जाना चाहिए, इस तरह मुंह लटकाने की क्या जरूरत है। एयरपोर्ट पर उतरते उसने एयर होस्टेस पे हाथ साफ कर लिया। बाप रे ये तो थ्रिल हो गया। थ्रिल रहने दो, चल छुड़ा कर लेकर आते। तुम्हारा नाम? मैं मंत्री जी का छोटा भाई हूँ। आई वॉन्ट योर नेम, नाम क्या है? अरे बताया ना कि मंत्री जी का छोटा भाई हूँ। क्यों, कोई नाम नहीं है? है, लेकिन किसी को बताता नहीं, सब मंत्री जी का छोटा भाई ही कहकर बुलाते हैं, इसीलिए मैं सबको यही नाम बताता अच्छा, रहता हूँ। तो मंत्री जी कहाँ रहते हैं? वो यहाँ नहीं, दिल्ली में रहा करते हैं। एयर होस्टेस का हाथ क्यों पकड़ा? अरे ऐसे ही बस मजा लेने के लिए। चुप कर, क्यों पकड़ा? क्योंकि मेरी बैटरी ज्यादा चार्ज हो गई थी। मतलब मेरे दिल की बैटरी ज्यादा चार्ज हो गई थी। अगर पागलों की तरह बात करेगा तो अंदर कर दूंगा। भैया तुम्हारे भैया आ गए हैं। भैया ये मुझे जेल में डालने की बात कर रहा था। अरे बेकार में ऐसा मत बोलो, थ्रिल गायब हो जाएगा। भैया ये यहाँ के मंत्री जी हैं। हेलो हेलो, ग्लैड टू मीट यू। देखिए वो मेरा छोटा भाई है। देखिए यहाँ आपको समझाना ठीक नहीं रहेगा, जरा इधर आइए। अरे जाइए ना। भैया क्या हुआ जी? तुम अगर बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं। हाँ बताइए ना। एयर होस्टेस का हाथ पकड़ना अच्छी बात नहीं है। अपने बेटे से भी ऐसा ही बोलोगे क्या? भैया तुम्हारी ऐसी हरकत से सेंट्रल तक बात पहुंचेगी। अरे मैंने बताया ना कि मेरी बैटरी कुछ ज्यादा ही चार्ज हो गई थी। चल रे चल। लगता है आपने उसे सबक सिखा दिया। मुंह बंद कर, बिना किसी केस के तुझे छुड़ा कर ले जा रहा हूं, ये क्या कम है, चल। अच्छा मैं एक बात पूछूं भैया। हाँ। मुझे थोड़ा शक हो रही है, जब तुम अमेरिका गए थे तो तुम्हारे बालों की स्टाइल अलग थी, अब वहाँ से आने पर रंगीले कैसे हो गए? अमेरिका में मैं जितने भी दिन रहा बस अपने दिल की बैटरी को चार्ज करता रहा। अरे बाप रे, कहीं एड्स वगैरह तो लेके नहीं आ गए? एड्स? हाँ। अरे वो तो बहुत खतरनाक बीमारी है। तू मुझे मरवा कर ही रहेगा, अपना मुंह बंद कर। बाप रे भैया इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं है रे, एक इंजीनियर को ठिकाने लगाना पड़ गया ना, इसीलिए भन्ने आए हुए हैं। क्या उसको जान से मार डाला है? भैया यानी आप हत्यारे हो गए? अरे हाँ रे, जरा गाड़ी रोक। ये पाइप देख रहा है? हाँ देख रहा हूँ। डैम का प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा सोचकर ही करोड़ों रुपए के पाइप लाके हमने यहाँ डाले हुए। तो आखिर इस काम में इतनी समस्या क्या है? भैया हमने सोचा था कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, लेकिन बड़े इंजीनियर ने इस कॉन्ट्रैक्ट की फाइल पे साइन नहीं किए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे करोड़ों रुपए डूब जाएंगे। तो क्या हुआ, कहो तो उस इंजीनियर की बैटरी को बम से उड़ा दूं? एक ने कोशिश की थी, वो जेल की सलाखें गिन रहा है। ये किसका आदमी है? वो मेरा आदमी है। तो कौन है? मंत्री जी का छोटा भाई। किस मंत्री का भाई है तू? और किसका, वही जो दिल्ली में रहा करते हैं। क्यों रे मंत्री के छोटे भाई, तेरा कोई नाम नहीं है क्या? मेरे नाम से तुम्हें क्या लेना देना, लेकिन मैं तुम्हारा नाम जान के आया हूँ मिस्टर प्रताप राव जी। जान का तू क्या कर लेगा, वक्त आने पर सब कुछ जान जाओगे। शट अप यू इडियट, कैसे बात कर रहा जानता है? जानता है, तुम्हारे जैसे न जाने कितने पुलिस वालों को मैं देख चुका हूँ। तुम जैसे पुलिस वाले पैसों से टूट जाते हैं। दास दे दे। एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। हमेशा पुलिस में ही दिमाग चलता है, एक लड़की इंडियन पुलिस में जाके क्या करेगी? क्या करेगी? ये तेरी इकलौती बेटी है ना, अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जाएगी तो मर्दानगी आएगी। तुम्हें तो भैया बोलते हुए मुझे शर्म आती है। तेरे घर में मैं आया हूँ, मैं पागल हूँ? चाहे कुछ भी हो हमारी लता IAS करेगी। चाहे कुछ भी हो जाए IPS में भेजूंगा। अचानक इस तरह दर्द क्यों हो रहा है बेटी? क्या हो गया? पता नहीं क्या करूं, बहुत। अरे भैया मेरा दिल बैठा जा रहा। आप तो मेरी बात मानोगे ना? अरे वो सब छोड़ो, पहले से अस्पताल लेके चलते हैं। चलो चलो बेटी। डॉक्टर डोंट वरी, शी विल बी ऑलराइट। ऑलराइट तो ठीक है, पर उसकी प्रॉब्लम क्या है? लड़कियों को जब पीरियड्स आते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ ही जाती है, लेकिन वो ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। थैंक गॉड, हम तो परेशान हो गए थे। तो डिस्चार्ज करा के घर ले जा सकते हैं ना? ऐसे भी क्या जल्दी है, दो दिन इसको यही रहने दीजिए ना, फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो वो हम देखेंगे। ओके हम शाम को आएंगे। ओके चलो भैया। लता लता क्या हो गया था? प्लीज डोंट डिस्टर्ब। दरअसल इन्हें हुआ क्या? आई से डोंट डिस्टर्ब। अरे भैया मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने आंखें बंद कर ली हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये सब नाटक था। क्या नाटक था? हाँ, डैडी मुझसे IAS कराना चाहते हैं। ताऊ जी IPS के लिए बोल रहे हैं, मुझे भेजने के लिए दोनों के दोनों जिद पकड़े हुए हैं। तुमसे मिले कई दिन हो गए हैं ना, इसलिए उन दोनों को उल्लू बनाकर मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। बाप रे बहुत तेज हो। यही तो मेरी स्टाइल है। टाइम हो गया, चलो पार्क चलें। तो यहाँ कौन रहेगा? तुम्हारा प्यार का चक्कर मैं समझ गया हूँ। लता अपनी साड़ी निकाल कर मुझे दे दो। हाँ। मैं बेड पर लेट जाऊंगा, लेकिन तुम कुछ मत बोलो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अब तुम जाओ जाओ।
अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? ए शंकर, अरे क्या हुआ? अब होने के लिए बाकी क्या है? देखो, जी करता है तुम दोनों को मार डालूं। अरे क्या हो गया रे? अरे वहाँ तुम दोनों पार्क में एक दूसरे के साथ चोंच लड़ा रहे थे ना, और मुझे यहाँ इंजेक्शन के ऊपर इंजेक्शन, इंजेक्शन के ऊपर इंजेक्शन, मेरा दिमाग सड़ गया। ये क्या कह रहा है? हाथ में क्या? वही वो इंजेक्शन। डैडी, अरे ये साड़ी पहन ले, पहन ले। अरे ये साड़ी तो मैंने पहनी हुई है। तुम घुमाओ ना इधर। बेटी लता, अब तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ डैडी। डॉक्टर ने हमें सारी बातें बता दी हैं। क्या बताया? कहीं इंजेक्शन की बात तो नहीं बताई? ये इसकी आवाज मर्दानी कैसे वो हो गई? दरअसल वो, अरे ये हॉस्पिटल है ना भैया, एक बीमारी जाती है तो दूसरी बीमारी आ जाती है। सही कहा डैडी। हाँ। गला थोड़ा खरखर हो रखा है। कोई बात नहीं बेटी, ठीक हो जाएगा। हम दोनों कल फिर आएंगे, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना बेटी। ठीक है डैडी। चलो भैया। तेरी तो, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मर गया। वाव, एप्पल क्रेज। हाँ, ये सब तुम्हारे लिए और इंजेक्शन मेरे लिए। नहीं नहीं नहीं, तुम ही खाना, हम जरा घूम के आते। नहीं नहीं, अब ये साड़ी मुझसे पहनी नहीं जा रही है। एक काम करो, तुम खुद बेड पे लेट जाओ। चलो बाप रे। अरे वो साड़ी तो दो, किसी ने देख लिया तो उठा के ले जाएगा। तुम्हारी साड़ी भी नहीं चाहिए, तुम्हारा बेड भी नहीं चाहिए। टाइम हो गया, जल्दी आना। बेटे भार्गव, नौकरी ज्वाइन करने से पहले अपने पिताजी को प्रणाम कर ले। बेटे भार्गव, आज तेरी नौकरी का शुभ दिन है बेटे। कम से कम इस माँ की खातिर पिताजी को प्रणाम कर ले बेटे। अरे जल्दी यार, राहुकाल शुरू हो जाएगा। माँ, 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 क्या हुआ रे? पता नहीं क्या हो गया ना। माँ सुनो, देर मत करो, इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। चलो। पेशेंट के साथ में यहाँ कौन है? मैं हूँ सर, वो मेरी माँ है। उनके गर्भाशय में फुंसी हो गई है, अगर फौरन उनका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो कैंसर में बदल सकता है। तो फौरन उनका ऑपरेशन कीजिए ना। वेल, ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपए खर्च होंगे, वो लाकर जमा करने होंगे। डॉक्टर, इतनी मोटी रकम देना तो दूर की बात है, मैंने और इसने आज तक देखी भी नहीं है। एकदम से इतने सारे पैसे लाना मुश्किल है डॉक्टर। तो यह ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन नहीं हुआ तो मर जाएंगे ना। वो जिए या मरे मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ पैसे। सर, मुझे पढ़ाई में जो गोल्ड मेडल मिला था वो मेरे पास में सर, मैं उसे गिरवी रख के पैसे लेकर आता हूँ। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। तुम्हारे गोल्ड मेडल की बात मैं मानता हूँ, लेकिन तुम वापस आओगे इसका मैं कैसे यकीन करूँ? सर, मेरे पास ये अपॉइंटमेंट लेटर है, इस लेटर के बिना मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। इसे अपने पास रखिए और ऑपरेशन कीजिए। सॉरी, इसकी डुप्लीकेट कॉपी से भी तुम नौकरी ज्वाइन कर सकते हो ना। डॉक्टर, ये मेरी बीई की डिग्री है, इसे भी आप रखिए, लेकिन मेरी माँ की जिंदगी बचा लीजिए डॉक्टर, प्लीज। सॉरी मिस्टर। डॉक्टर, मेरी यूनिवर्सिटी की डिग्री से भी, यूनिवर्सिटी से जो गोल्ड मेडल मिला उससे भी, और मेरी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर से भी, बढ़कर आपके लिए क्या पैसा है? मरीज के प्राण से ज्यादा आपके लिए पैसे बहुत मायने रखते हैं ना। यस, आई एम हेल्पलेस। हॉस्पिटल राजशेखर जी का है, हर रोज का कलेक्शन उन्हें भेजा जाता है। उनकी शर्तों के सामने तुम्हारी बीई की डिग्री तो क्या मेरी एमबीबीएस की डिग्री मायने नहीं रखती। ये लीजिए डॉक्टर, आप लोगों का जमीर तो मर चुका है, कोई मरे या जिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये पैसे चाहिए ना, ले लीजिए। लता, ये क्या कर रही हो? तुम चिंता मत करो भार्गव, पहले इन पैसों से माँ जी की जिंदगी बचा लो, माँ जी को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज ये लीजिए डॉक्टर। ले लीजिए डॉक्टर, ये पैसे लेकर जल्दी ऑपरेशन कीजिए प्लीज। ओके भार्गव, माँ जी की देखभाल के लिए मैं और शंकर यहीं पे रहेंगे, तुम जल्दी जाके नौकरी ज्वाइन कर ले। हाँ यार, अगर तू वहाँ नहीं पहुँचा तो राजशेखर के लोग जबरदस्ती वो नौकरी ले लेंगे, तू जल्दी जाके ज्वाइन कर ले। सर, जॉइनिंग रिपोर्ट सर। वेरी गुड सर, मेरी माँ का अस्पताल में ऑपरेशन है, आप इजाजत दे तो। अच्छा, वहाँ तुम्हारी माँ का ऑपरेशन है और तुम यहाँ का कर रहे हो? जाओ जाओ, जल्दी जाओ। थैंक यू सर। Oh.
एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आप बिना कुछ कहे जा रहे हैं। आप लाश को ले जा सकती हैं, इंतजार कीजिए। माँ जी को कुछ नहीं होगा, मैं संभालूंगा बोल के भार्गव को मैंने भेजा। अब जब वो आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। माँ भार्गव, माँ जी के आखिरी समय में मैंने तुम्हें कहीं और भेज दिया, मुझे माफ कर दो। लता, बाप का साया तो बहुत पहले से उठ गया था, लेकिन आज हमारे ऊपर से माँ का साया भी उठ गया। भार्गव, भैया उस नए इंजीनियर ने जो हमारी वाट लगाई है उससे तो आप उनका बिजनेस चौपट हो जाएगा। बाप रे, तू ये कैसी भाषा बोल रहा है? अमेरिका से आने के बाद तेरी भाषा ही बदल गई। हाँ, मेरे दोस्त मुंबई के थे। अच्छा ये बताइए, उस इंजीनियर को तोड़ने का कोई रास्ता निकाला कि नहीं? वो इतनी जल्दी झुकने वाला नहीं है, उसकी माँ मर गई है, वो भी हमारे अस्पताल में। अरे बाप रे, इसलिए वो जरूर कुछ ना कुछ करके हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। तब तो उस इंजीनियर की बैटरी को ओवरचार्ज करना पड़ेगा। उसके ऊपर गुंडागर्दी के सारे फॉर्मूले इस्तेमाल करके उसके हाथों अपनी फाइल पे दस्तखत करवाएंगे। शंकर, माँ के स्वर्गवास होने के बाद अब तो हम लोग एकदम अनाथ बन के रह गए हैं। तूने भाई से बढ़कर मुझसे दोस्ती निभाई है। वो दोस्ती क्या जो दुख में काम ना आए। तू अपने माँ का शेर बेटा है, तुझे रोना नहीं चाहिए। जिस माँ ने मुझे इस संसार में जन्म दिया हो और जिसे जिंदगी भर में माँ कह के बुलाता रहा, उस माँ शब्द को मैं कैसे भूल पाऊंगा। वक्त सारे जख्म भर देता है, पहले उनकी अस्थियों का नदी में विसर्जन कर दे। चल। वर्ल्ड वार में विनाश कैसे हुआ? डॉक्टरों के आविष्कार के कारण, डॉक्टरों की लापरवाही के कारण। डॉक्टर, किसी भी मरीज का बुखार चेक करने के लिए तुम्हें थर्मामीटर दिया जाता है और किसी भी मरीज का शरीर का ऑपरेशन करने के लिए तुम्हें एनेस्थीसिया देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरी माँ को तूने मारा ये बुलवाने के लिए मुझे ना थर्मामीटर चाहिए ना ही बेहोशी की दवा मुझे चाहिए। तेरे चेहरे का पसीना बता रहा है कि तूने मेरी माँ का खून किया है। जब मेरी माँ की लाश को यहाँ से ले जाया गया तब मुझे तुम पर शक नहीं हुआ, लेकिन चिता के जलने के बाद राख में मुझे ये तुम्हारी कैंची मिली। ये कैंची जानबूझकर पेट में छोड़ी गई ना, उन्हें जान से मारने के लिए। नो, यस, मुझे मत मारना, प्लीज। क्या? मौत को सामने देखकर डर लग रहा है? लोग तुम जैसे डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन तुम लोग उनके प्राणों से खेलते हो, तुम्हें मरना ही होगा। और इसीलिए तुमने जिस बेरहमी से मेरी भोली भाली माँ का कत्ल किया है, वैसे ही जब तक तुम्हें नहीं मारूंगा मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। भगवान समझे जाने वाले ऐसे खूनी डॉक्टरों का खून कर देना चाहिए। मेरी माँ को जान से मारने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। भार्गव,
अबे खूनी मैं नहीं हूँ, मरीजों की जान लेने वाला खूनी तू है। बेचारे मासूम मरीजों का खून करता है तू, खून करता है। इंस्पेक्टर, आरएस नर्सिंग होम में किसी ने डॉक्टर का खून करने की कोशिश की। यस सर, उसे अरेस्ट करके लाए हैं। उसे लेकर आओ। तुम्हारा नाम? भार्गव। तुम उस दिन आपके भाई को बचाने के लिए मुझे सराहा था, आज मुजरिम बनाया है। यानी तुम खुद को बेगुनाह समझते हो? चीफ इंजीनियर को मारने वाले लोगों को मैंने मारा था, और आज गलती करने वाले डॉक्टर को मारा है। अगर वो न्याय था तो ये भी न्याय है। ऑपरेशन होने के बाद अगर मरीज मर जाता है तो वो खून नहीं है। यानी इंसानों को मारने के लिए डॉक्टरों को लाइसेंस दिया गया है? जैसे लोगों को पीटने के लिए आपके पास लाइसेंस है, वैसे ही लोगों को मारने के लिए उनके पास लाइसेंस है। जज भले ही ना जाने कि दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, पर सजा देने का लाइसेंस है। Am I correct? You are talking something nonsense. हमारे देश के हर एक नागरिक को बोलने का अधिकार है, डियर पुलिस ऑफिसर। Of course, लेकिन बेकार की बातें बोलने का अधिकार नहीं है। अगर तुम मानते हो कि तुम्हारी माँ का डॉक्टर ने खून किया है तो उसका गवाह कौन है? मैं हूँ। बेटी, माफ कीजिएगा डीसीपी साहब, ये पुलिस स्टेशन है, मैं विटनेस हूँ, अब पुलिस ऑफिसर है, बस इतना ही। ऑल राइट, तो तुम कौन सी गवाही देना चाहती हो? गवाही बोलने की नहीं है, गवाही का सबूत है। ये देखिए कैंची, इनकी माँ का जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था उसने कैंची पेट में छोड़ दी, देख लीजिए। इसी की वजह से उनकी जान गई। उनकी चिता जलने के बाद राख में से ये मिली, उसका गवाह मैं हूँ। अब आप ही बोलिए प्रताप राय जी, ऐसे खूनी डॉक्टर को मारने का अधिकार क्या हमारे पास में नहीं है? आप इस तरह खामोश क्यों होंगे? मुझे यहाँ किस दफा में गिरफ्तार किया जाए आप यही सोच रहे हैं ना? आपसे मैंने बहस की, इसलिए कानून के मुताबिक दफा 301 के तहत मुझे अरेस्ट कर सकते हैं आप, या फिर मैंने एक डॉक्टर का खून करने की कोशिश की उस जुर्म में 307 के तहत आप मुझे यहीं गिरफ्तार कर सकते हैं। इंस्पेक्टर। यस सर। भार्गव के एफआईआर की फाइल लेकर आओ। ओके सर। मिस्टर भार्गव, यू कैन गो। थैंक यू दाऊजी। ये घर नहीं पुलिस स्टेशन है। आई एम सॉरी डीसीपी साहब। थैंक यू वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम।